प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग घर में ही रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, पूर्णतः लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आगे इसके साथ साथ कि हम घर में रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन कुछ ना कुछ क्रियाशीलता भी हमारे साथ रहनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। यदि हम क्रियाशील नहीं रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से जो है हमारा समय भी व्यतीत नहीं होता है और ठीक भी नहीं लगता है, एक अलग प्रकार का जो अनुभव होता है। इसलिए अब हम साथ साथ में जो है स्वस्थ रहते हुए घर में रह के कुछ पढ़ाई की भी व्यवस्था करें, इसके लिए हमने आपके साथ लॉकडाउन की 8वीं क्लास लेकर के जुड़ रहे हैं आपसे। आशा करता हूं कि विगत 7 लेक्चर्स को आपने ध्यान से पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद निश्चित रूप से उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें भी आपने करने का प्रयास किया होगा। कुछ लोगों ने, हालांकि कुछ डाउट्स लोगों के रहे, उन्होंने मेल आईडी के थ्रू मुझसे अपने डाउट भी क्लियर किए हैं, मैंने उनके मेल आईडी के थ्रू डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। अतः आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसका पूर्णतः लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद। इसको यहाँ से दबा के अब एंड तो कर दो, अब उससे चल 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 रहा हूँ, नहीं चल रहा वो चल रहा हूँ, चांद दिख रहा उस आ रहा। हाँ बच्चों, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आपको यहाँ मैं दिख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, टू फंक्शन का जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है कि इनमें दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करने का सूत्र है। इसको यहाँ एक फलन को पिछले उसमें मैंने लेक्चर में दिखाया था आपको, f1x इंटू f2x जो है dx वाला, वही चीज है। यहाँ f1x की जगह u लिया, f2x की जगह v लिया। dx सुविधा के लिए कि बार बार आपको थोड़ा उसमें असुविधा ना हो, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला हुआ साइन ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू v dx, दोनों के गुणनफल का समाकलन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जिसका हमें अवकलन नहीं, समाकलन नहीं आता है, उसे हम प्रायः फर्स्ट फलन जो है फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, या मैंने पहले भी बताया था आपको। तो u इंटू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन v dx, दूसरे फलन v का जो है समाकलन किया माइनस का, डिफरेंशिएशन ऑफ जो है फर्स्ट फंक्शन u ddx ऑफ जो है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx, टोटल ब्रैकेट क्लोज किया, प्रोडक्ट का dx टू प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। सेकंड फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ विशेष प्रकार के जो है समाकल हैं जिनमें हम e की पावर ax टाइप का देखते हैं, बार बार वही फलन जो है हमें पुनः दो बार अवकलन करते हैं, पुनः समाकलन करते हैं, इसके बाद फिर से वही फलन हमें प्राप्त होता है। इसको हम प्राय पूरे फंक्शन को आई मान लेते हैं, जो है इस तरह से आई से प्रदर्शित कर देते हैं आगे, जहां जहां होता है उसको हम जोड़ घटा करके आई को एक साथ बाएं साइड ले जाते हैं और उसे हम पुनः उसके साथ ऐड करके लास्ट में उससे डिवाइड कर देते हैं, जितना गुना होता है आई का उतने से हम दोनों पक्षों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए सेकेंड फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर जो है ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो है ए साइन बी एक्स माइनस का वी कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। अगला फॉर्मूला जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स, अब यहाँ जो साइन बी एक्स था उसके स्थान पर कॉस बी एक्स लिया हमने डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जो है ए एक्स अपॉन नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। इन दोनों फार्मूले में खास तौर से हमने देखा होगा यदि साइन बी एक्स है तो ए के साथ, यहाँ हम देख रहे हैं ए के साथ जो है साइन बी एक्स आया पहले, और अगर जो है कॉस बी एक्स आया तो ए के साथ कॉस बी एक्स हो गया, यहाँ माइनस था इसमें जो है ये प्लस हो गया प्लस का सी। इन फॉर्मूलों का उपयोग कहाँ, किस फॉर्मूले का उपयोग करना है, इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से हम उसका सदुपयोग सही जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग
इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। सॉल्यूशन में हमने इसको एच टी लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ई बेस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू 1 लिख दिया हमने इसको दो फलों के गुणनफल, क्योंकि जो है लॉग ई आधार जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम समाकलन सीधा सीधा लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता, ठीक इसी तरह से इसका भी समाकलन नहीं होगा। इसको हम जिनके समाकलन नहीं होते एक फलन के उनको हम इंटू में 1 लिख लेते हैं, इससे कोई डिफरेंस ही नहीं आता है, और 1 को हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं उसमें जो है, जिसका अवकलन हमें जो है समाकलन नहीं आता उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिसका समाकलन कर लेते हैं उसे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ 1 हमेशा लेते हैं जिसके साथ की उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हियर, फर्स्ट फंक्शन इज जो है लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकंड फंक्शन इज 1। सो आगे के उसके लिए फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, टू फंक्शन के जो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन के रूप में लॉग ई आधार 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमने इंटीग्रेशन किया इंटू में फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ जो है फर्स्ट फंक्शन 1 डी एक्स जो है ब्रैकेट क्लोज किया, टोटल होल का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन डी एक्स लिखा इज इक्वल टू एक्स लॉग ई बेस, क्योंकि यहाँ हम 1 का इंटीग्रेशन जानते विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है 1 होता है, इसलिए 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है एक्स होता है, सो इज इक्वल टू जो है एक्स लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ हम जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए x के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, लेकिन x की जगह क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू में हमने पुनः डिफ्रेंशिएशन किया, 1 का कांस्टेंट होने के कारण 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया प्लस में इन ब्रैकेट 0 प्लस 2x इंटू, अब यहाँ 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होता है dx, इसको हमने ऐसे ही लिखा। इसके बाद बच्चों आगे देखें इज इक्वल टू एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x हुआ था और 1 का इंटीग्रेशन x था, x का 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में dx। आगे इज इक्वल टू एक्स लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का 2, अब यहाँ 2x स्क्वायर था, 2 को बाहर कर लिया हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और नीचे वाला पद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर हमने एक्स स्क्वायर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कोई न्यूमरेटर की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगले स्टेप में सेपरेट करेंगे, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करेंगे इसको, तो अगले स्टेप में डी एक्स के बाद इज इक्वल टू एक्स लॉग बेस ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद इज इक्वल टू एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है लॉग बेस e है माइनस का 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया इसको हमने, इससे 1 आया 1 dx हो गया, प्लस इसका हम जानते हैं वी नो दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो इसको हमने यहाँ वैसे ही आंसर के रूप में लिया प्लस का 2 tan इनवर्स x, जो 2 मल्टीप्लाई में था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो गया। आंसर के रूप में देखें x log बेस e इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx का जो इंटीग्रेशन x हुआ माइनस का 2x प्लस का
टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये आपका इसका समाकल हो गया। जो क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, इसको हमने एच के सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमने इसको पुनः एक्स और ई की पावर ए एक्स टू फंक्शन हैं, पहला फंक्शन एक्स जो है एल्जेब्रिक है, ई की पावर ए एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट मैंने देखा या आपको बताया होगा कई बार चर्चा हुई है कि आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जब नहीं समझ आता तो आइलेट आई में जो है पहले जो है एल्जेब्रिक में ए पहले आता है, ई बाद में आता है आइलेट में, इसलिए फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, सेकेंड फंक्शन हमारा ई की पावर ए एक्स हो गया जो है। इसको हमने टू फंक्शन के मल्टीप्लाई वाला जो है फॉर्मूला हमने यूज किया इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाले में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स का इंटीग्रल डी एक्स माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ जो है एक्स किया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का जो है इंटीग्रेशन टोटल के प्रोडक्ट का ब्रैकेट में जो भी आया ब्रैकेट क्लोज किया और टोटल के प्रोडक्ट का जो है इंटीग्रेशन ये इज इक्वल टू अगले स्टेप में एक्स ई की पावर ए एक्स, क्योंकि एक्स तो ये था ई की पावर ए एक्स का समाकलन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू वन हो गई इंटू e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू आंसर के रूप में x e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का वन अपॉन जो है a, क्योंकि इसके नीचे था इसको अलग कर लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स डी एक्स जो है इज इक्वल टू x e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का वन अपॉन ए e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस का c, समराइज करके हमने आंसर में लिखा x e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा समाकल्य हो। क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x dx, इसको सॉल्यूशन के लिए हमने h टेज लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है x tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं tan स्क्वायर x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, इसको हम sec स्क्वायर tan ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहां tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू sin ऑफ इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x के स्थान पर ब्रैकेट में हमने लिखा x sec स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पार्ट में अलग अलग करके लिख दिया मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट करके टर्म्स x sec स्क्वायर x dx माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन x जो है dx, यहां हमने अब पुनः इज इक्वल टू में जो है x साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है वो हमने इसके साथ अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन में sec स्क्वायर x dx माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x से फर्स्ट फंक्शन d dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन में sec स्क्वायर x, इसको जो है ब्रैकेट में टोटल ब्रैकेट क्लोज किया dx जो है dx माइनस का अब x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, इसलिए इसको आगे आंसर में लिखा है sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल tan x होता है इज इक्वल टू x tan x माइनस का इंटीग्रेशन sin ऑफ इंटीग्रेशन 1 इनटू जो है tan x dx 1 इनटू tan x dx को जो है tan x हो गया, tan x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस का log cos x अथवा प्लस में log sec x, तो यहाँ हमने माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 जैसे लिखा
आंसर के रूप में x tan x प्लस का लॉग cos x यहाँ माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, ये हमारा समाकली हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखे बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर होल में 3/2 पावर dx, यहाँ हमने इसको वैसे ही लिखा सॉल्यूशन में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस x स्क्वायर होल पावर 3/2 dx, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, यहाँ हमने साइन इनवर्स x को t मान लिया, तब t इज इक्वल टू साइन t, x इज इक्वल टू साइन t, सॉरी x इज इक्वल टू साइन t हुआ, एंड अब विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने, तो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष जो है 1 हो गया, साइन t का t के सापेक्ष cos t हुआ, और t का x के सापेक्ष ddx ऑफ t, इसको हमने dx इज इक्वल टू cos t dt लिख लिया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन t अपॉन जो है, अब x के स्थान पर हमने क्या रखा है, साइन t, और यहाँ t अपॉन जो है इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3/2 dx को हमने cos t dt से रिप्लेस किया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब t cos t इसका मल्टीप्लाई करके t cos t ऊपर लिखा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t की पावर जो है 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos क्यूब t हो गया अपॉन जो है cos क्यूब t इनटू dt इज इक्वल टू, इसी प्रकार इज इक्वल टू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन t इनटू जो है अब cos t से cos क्यूब t को हमने cos स्क्वायर t टाइम्स डिवाइड कर दिया, तो नीचे होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t को हम sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन t इनटू जो है sec स्क्वायर t dt अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल जो है यहां आगे देखें बच्चों इज इक्वल टू t, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन रूल जो है हमने टू फंक्शन के जो है प्रोडक्ट का रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन t है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के रूप में sec स्क्वायर t dt है, इसका समाकलन माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d dt ऑफ जो है t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो है सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर t dt, प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज किया, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू जो है t इनटू sec स्क्वायर t का हम जानते हैं समाकलन इंटीग्रेशन tan t होता है, t into tan t माइनस का d dt ऑफ t की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 into tan t dt हो गया, अब 1 into tan t dt की वैल्यू जो है tan t हो गई इज इक्वल टू t tan t, अब हम जानते हैं tan t का इंटीग्रेशन माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan t इज इक्वल टू माइनस का log cos t, तो माइनस यहां पहले से ही था और माइनस log cos t माइनस माइनस प्लस हो गया और आके यहाँ हमारा जो है प्लस का लॉग कॉस टी प्लस का सी आंसर हो गया, आंसर को हमने पुनः टी को रिप्लेस करेंगे, यहाँ हमने आंसर के रूप में जो है टी को साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, तो यहाँ टी के स्थान पर हमने साइन इनवर्स एक्स रखा और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी एक्स बराबर साइन टी, तब इसमें टेन टी की वैल्यू एक्स अपॉन जो है हमने ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, साइन टी की वैल्यू जो है लंब बटे जो है कर्ण से लंब x हो गया और कर्ण का मान जो है 1 हो गया, तो 1 के वर्ग में से जो है x का स्क्वायर घटाया तो ये आधार हो गया, रूट में जो है 1 माइनस x स्क्वायर लंब हो गया x, तो tan t इज इक्वल टू जो है tan t के स्थान पर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का, और यहाँ log cos t था तो cos t के स्थान पर वैल्यू जो है हम cos t को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी की वैल्यू एक्स है तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये हमारा इसका अगले क्वेश्चन का जो है समाधान, क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx, इसको हमने सॉल्यूशन के लिए लिखा
क्वेश्चन को वैसे कॉपी किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स होल पावर 3 बाई 2 डी एक्स। यहाँ हमने हियर लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देन एक्स इज इक्वल टू टेन टी, और एक्स इज इक्वल टू टेन टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का टेन टी का जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन किया हमने, तो यहाँ एक्स का 1 हो गया, टेन टी का sec स्क्वायर टी डी टी हुआ, और तब हमने डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी डी टी, डी एक्स को sec स्क्वायर टी डी टी से रिप्लेस करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे और एक्स को टेन टी से रिप्लेस करेंगे। अगले स्टेप में इज इक्वल टू जो है यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी sec स्क्वायर टी डी टी जो है, यहाँ एम टेन इनवर्स एक्स को हमने जो है टी और डी एक्स को sec स्क्वायर टी डी टी से रिप्लेस किया अपॉन में, अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x के स्थान पर टेन टी रखा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी, तो ये फॉर्मूले में sec स्क्वायर टी लिखा, इसकी होल पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू एम साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी की होल पावर 3 बाई 2, 2 से 2 कट गया नीचे आ गया, डेनोमिनेटर में sec क्यूब टी और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर टी से sec क्यूब टी को sec टी टाइम्स इसको हमने जो है डिवाइड किया, अब इज इक्वल टू एम इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी अपॉन sec टी डी टी, 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है हम जानते हैं, इसलिए इज इक्वल टू एम एम साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी cos टी, जो टी cos टी देख रहे हैं डी टी, इसको हमने जो है 1 अपॉन sec टी को, अब इसको बच्चों यहाँ हमने इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एम टोटल बाहर रखा टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो है कॉस टी, अब दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, टी इंटू कॉस टी का समाकलन वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है टी, और सेकेंड फंक्शन कॉस टी है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसलिए इसको कॉस टी टू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के रूप में cos t का इंटीग्रेशन dt टी माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d dt ऑफ जो है t, फर्स्ट फंक्शन t है, t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन cos t का इंटीग्रेशन cos t dt, इसमें टोटल प्रोडक्ट का ब्रैकेट के बाहर जो लिखा टोटल प्रोडक्ट का इनके का जो है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू m। अब हम जानते हैं cos t का जो है समाकलन sin t होता है, cos t का समाकलन sin t होता है इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया t इनटू जो है cos t का समाकलन sin t माइनस का sin ऑफ इंटीग्रेशन जो है d dt ऑफ t की वैल्यू 1 है इनटू cos t का इंटीग्रेशन जो है sin t होता है विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin t का यहां अब हम sin t का समाकलन हम जानते हैं, sin t का समाकलन माइनस का cos t होता है, तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू m इनटू बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट t sin t h चीज लिखा और माइनस बाहर क्योंकि लगा हुआ था और sin t का समाकलन माइनस cos t माइनस माइनस प्लस का हो गया cos t ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का c, आंसर के रूप में जो है हमने बड़ा ब्रैकेट tan इनवर्स, अब t के स्थान पर जो हमने माना था इसको tan इनवर्स x t के स्थान पर जो है ये यहाँ आपका tan इनवर्स t के स्थान पर जो है tan इनवर्स x और sin t के स्थान पर x अपॉन जो है जो लिखा हुआ है x अपॉन जो है रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर जो है sin t की वैल्यू हो गई है ये हो गई t की वैल्यू tan इनवर्स x sin t की वैल्यू x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर और cos t की वैल्यू 1 अपॉन जो है रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरह से ये आपका प्लस का जो है c आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट जो है 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज dx, यहां भी टू फंक्शंस हैं, यहाँ e की पावर tan इनवर्स एक फलन है, दूसरा फलन ये आप जो देख रहे हैं इन टू में दिया गया दूसरा फलन है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दूसरा फलन,
इनको हमने ऐसे ही लिखा सॉल्यूशन में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स x बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx। हियर लेट, अब हमने यहाँ लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू t, टेन इनवर्स x को हमने t मान लिया, तब x इज इक्वल टू टेन t हो जाएगा और टेन इनवर्स x और t का x के सापेक्ष हमने अवकलन किया, टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है और t का x के सापेक्ष ddx ऑफ t होता है, तो इसको हम dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt लिख लेते हैं। तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को हमने जो है dt से, इसको हमने dt से रिप्लेस किया और x के स्थान पर tan t रख देंगे, जहां जहां x आया है tan इनवर्स x को t, यहां इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t। अभी तो हमने वैसे केवल इसको समराइज कर रहे हैं, फंक्शन को अरेंज कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस x के स्थान पर जो है tan t, x स्क्वायर के स्थान पर tan स्क्वायर t, ब्रैकेट क्लोज किया dt। वी नो दैट जो है हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू sec स्क्वायर t होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t के स्थान पर हम sec स्क्वायर t रिप्लेस कर देते हैं, इज इक्वल टू sin ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t स्मॉल ब्रैकेट sec स्क्वायर t प्लस का tan t स्मॉल ब्रैकेट क्लोज dt। अब यहां पुनः इसको हम टू फंक्शन में सेपरेट करेंगे, e की पावर t का sec स्क्वायर t में और tan t में मल्टीप्लाई करके सेपरेट टर्म्स में जो है दो समाकलियों के रूप में हम इसे लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t tan t dt प्लस का दूसरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर जो है t sec स्क्वायर t, क्योंकि t का e की पावर t का sec स्क्वायर t में मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर t sec स्क्वायर t हो गया dt। इस तरह से इसको हमने दो पदों में डिवाइड करके अब ओनली फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t tan t dt का हमने इज इंटीग्रेट बाय पार्ट, इसको हमने खंडशा समाकलन के द्वारा e की पावर t tan t का खंडशा समाकलन किया। खंडशा समाकलन का सूत्र हमने पढ़ा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन v dx माइनस का ddx ऑफ जो है फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx टोटल के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू जो है e की पावर t। अब यहाँ जो फंक्शन थे पहला तो वहां हमने e की पावर t, सेकेंड फंक्शन जो दिया गया था sec स्क्वायर t तो उसको हमने जो है tan t e की पावर t tan t माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक प्रारंभ डी डी टी ऑफ जो है टेन टी का जो है यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया इनटू में, यहाँ इनटू में सेकंड फंक्शन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन किया डी टी, ब्रैकेट क्लोज किया डी टी, प्लस जैसे लिखा हुआ था सेकंड पार्ट को हमने वैसे ही लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर टी सेक स्क्वायर टी डी टी वैसे ही लिखा। अब यहाँ ई की पावर टी टेन टी माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब tan t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t sec स्क्वायर t होता है, e की पावर t जो है का इंटीग्रेशन भी e की पावर t होता है, तो इसको हमने e की पावर t sec स्क्वायर t dt लिखा, ये माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t sec स्क्वायर t दूसरा पार्ट उसका लिखा हुआ था, दोनों प्लस माइनस होने से ये कैंसिल हो गए और लास्ट में e की पावर t tan t प्लस का c इसका आंसर हुआ। पुट हियर put t is equal to tan inverse x और x is equal to tan t, tan t के स्थान पर जो है पुनः हमने जो है x रिप्लेस कर दिया, tan t जहां था वहां हमने x रिप्लेस किया, tan t is equal to x हो गया और लास्ट में आंसर के रूप में जो है e की पावर tan inverse, e की पावर जो है tan inverse x into जो है x plus का c इज इक्वल टू, इसको हमने x लिख करके यहाँ x इज इक्वल टू x इंटू e की पावर tan इनवर्स x प्लस का c, ये हमारा इसका समाकल्य हो गया। क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू cos 2x dx, इसको
सॉल्यूशन के रूप में हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर 3x कॉस 2x dx। यहाँ हमने फॉर्मूला जो है आज पढ़ा था, प्रारंभ में इसमें देखा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी साइन एक्स, जो है यहाँ बी साइन एक्स प्लस का ए कॉस बी एक्स या ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन एक्स प्लस का जो है सी। इसका उपयोग किया यहाँ हमने, ए के स्थान पर थ्री है, ए की वैल्यू जो है थ्री है क्योंकि e की पावर ए एक्स की हम e की पावर थ्री एक्स से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू थ्री आती है, और बी एक्स जो है कॉस बी एक्स जहाँ दिया गया बी एक्स तो बी के स्थान पर टू आता है, तो ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू टू हो गई। अब हम इसको सीधा सीधा समाकल के रूप में डायरेक्ट में चाहें तो इनको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स अपॉन ए स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां लिखा हुआ है बी स्क्वायर उसमें जो टू का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है ए कॉस बी एक्स प्लस का जो है ए कॉस बी एक्स जो है तो ए के स्थान पर थ्री कॉस टू एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स, बी के स्थान पर टू है साइन टू एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। इसको हम थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, टू का स्क्वायर जो है फोर होता है, इसको एच टी लिखा हमने ई की पावर थ्री एक्स अपॉन नाइन प्लस फोर ब्रैकेट में जो है मुझे कोष्टक के अंतर्गत टू साइन टू एक्स प्लस थ्री कॉस टू एक्स मतलब कोष्टक क्लोज किया प्लस का सी, और आंसर के रूप में इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स अपॉन नाइन फोर एड किया थर्टीन हो गया ब्रैकेट में जो है टू साइन टू एक्स प्लस थ्री कॉस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का सी। ये इसका आपका समाकल्य होगा। अब इसके लिए जो है जो आपने आज एक क्लास पढ़ी हुई है इस क्लास से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में जो है 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेरीज हो उनको आप जो है मेरे मेल आईडी के थ्रू डाउट को जो है क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आशा है आप इनको फेयर वर्क के रूप में जो है क्वेश्चनों को करेंगे जिससे आप जब कभी भी देखना चाहेंगे तो इन्हें आप देख सकेंगे। धन्यवाद।